सो टुडे वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म से अपवर्तन प्रक्रिया को देखेंगे। हमने लिया है ये त्रिकोण आकार का प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसमें तीन सरफेसेस होती हैं, आयताकार, रेक्टेंगुलर एंड द जॉइनिंग टू एजेस आर ट्रायंगुलर। फाइन। और ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस के बीच का जो एंगल है, ये 60 डिग्री वाला लिया है हमने। एंड वी नीड स्केल, ड्रॉइंग पेंस, पेंसिल एंड दिस प्रोटेक्टर। सो लेट स्टार्ट। हम क्या करेंगे, इससे पहले सबसे पहले इस प्रिज्म की, इस वाइट पेपर पर एजिस की बाउंड्री बना लेंगे, इन्हें ट्रेस कर लेंगे। लाइक दिस, इन लाइंस को कंप्लीट कर लेंगे हम। एंड देन वी विल ड्रॉ, एक पॉइंट पर हम एक इंसिडेंट रे बनाएंगे। इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण, और जिस पॉइंट पर ये सरफेस को टच करेगी वहां पर हम एक 90 डिग्री का एंगल लेते हुए इस सरफेस के साथ जो 90 का एंगल बनेगा वहां एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये 90 का एंगल इस एज के साथ बनाते हुए, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे पर हम दो ड्रॉइंग पिंस को इंसर्ट करेंगे। एंड देन वी विल प्लेस द प्रिज्म ऑन दिस बाउंड्री, ड्रॉन बाउंड्री। अब ये प्रिज्म के दूसरी साइड यानी कि इस तरफ से हम इन दोनों पिंस की, ये जो रेड वाले पिंस हैं, इनकी इमेज देखेंगे इस साइड से। राइट, अभी मैं आपको दिखाऊंगी शॉर्टली। इसमें यहाँ पर हम जहाँ भी हमें इन दोनों रेड पिंस की इमेजेस दिखेंगी हम ये ग्रीन वाले पिंस इंसर्ट करेंगे। लाइक दिस आई एम गोइंग टू शो यू। यहाँ देखिए, ये देखिए दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं जहाँ पर हमें इनकी बिल्कुल एक लाइन में दिखने चाहिए वहां से देखेंगे। ये हम अपनी एक आई को बंद करके, जैसा मैंने अभी आपको शो किया था, अब मैं बिल्कुल यहां से ऐसे देखते हुए दो पेन्स इंसर्ट कर रही हूं कि बिल्कुल एक लाइन में आएंगे ये रेड वाले और ग्रीन वाले। यस, थ्रू कैमरा इससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मैं शो नहीं कर पाऊंगी। ये चीज़ आप खुद करके देखेंगे। जैसे मैं अपनी आंखों से जब देख रही थी इसे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइन में आ रहे थे और तब मैंने ये ग्रीन वाले इंसर्ट किए थे। ये जो पिंस हैं ग्रीन वाले, बिल्कुल सेम लाइन में थे उसके साथ। ये ऊपर से देखने पर देखिए इस तरह का कुछ हमें मिला है कि एक तरफ जो रेड वाले पिंस हैं दे आर इंडिकेटिंग इंसिडेंट रे, और जो रेड ग्रीन वाले हैं वो हैं हमारी इमर्जेंट रे, जो प्रिज्म से बाहर आने के बाद रे निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, इन पिंस को रिमूव कर देंगे और जहाँ इनके पॉइंट्स हैं ये हमारे मार्क हो गए हैं। एंड सिमिलरली नाउ वी डोंट नीड दिस प्रिज्म एंड दीज रेड पिंस। हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दो ग्रीन वाले पिंस के पॉइंट हैं जिन्हें हम इमर्जेंट रे कह रहे हैं, इन्हें ज्वाइन कर देंगे प्रिज्म की एज के साथ। फाइन। और यहाँ पर भी 90 का एंगल बनाते हुए ये जो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगेन विद दी हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं।
ये आपका 90 का एंगल बना रहा है प्रिज्म की एज के साथ, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. सो दस यू कैन सी कि ये जो इंसिडेंट रे है एंड दिस इज इमर्जेंट रे जो प्रिज्म से बाहर निकली है, ये इसकी इमर्जेंस रे की डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से डिफरेंट है. जबकि ग्लास स्लैब में क्या होता था कि जिस तरफ जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होती थी उसी डायरेक्शन में इमर्जेंट रे होती थी, बट थोड़ी सी डेविएट हो जाती थी अपने पाथ से. यहाँ तो इसकी डायरेक्शन ही बदल गई है. नाउ अब हम देखेंगे एंगल ऑफ डिविएशन. सपोज यहाँ ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये जो रे है ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे है, ये बिल्कुल इस तरह से सीधी चली जाती बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. और इस इमर्जेंट रे को भी हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे. सो इन दोनों एक्सटेंडेड लाइन्स के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिविएशन. एंगल ऑफ डिविएशन ये भी आपके एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. विचलन कोण भी कहते हैं इसे हिंदी में, एंगल ऑफ डिविएशन या विचलन कोण. सो दिस इज हाउ द लाइट रे व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम प्रिज्म इट डिविएट्स लाइक दिस. ये इस तरह से अपने पाथ से अपने रास्ते से विचलित हो जाती है. और होता क्या है कि यहाँ पर ये 7 कलर्स में स्प्लिट होती है एंड व्हेन इट कम्स आउट इट अगेन क्लियरली स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, जिसे हम लाइट का डिस्पर्शन कहते हैं. एंड दैट एक्टिविटी हमें अपने अगले वीडियो में शो करूंगी जिसमें हम यहाँ से लाइट भेजेंगे एंड दैट विल स्प्लिट इनटू वाइट लाइट भेजेंगे एंड दैट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स. सो इट वॉज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म.